तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज से एक दो दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जहां पर मैं बताया था कि टेक्नो एक नया स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च करने जा रहा है, जो कि टेक्नो स्पार्क 5 सीरीज का फोन है, टेक्नो स्पार्क 5 प्रो, और जिसका लिस्टिंग भी अमेजोन पे किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लॉन्च डेट बताया नहीं, डायरेक्ट फोन को आज लॉन्च कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग इस वीडियो में इस मोबाइल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। असल में इस मोबाइल का फीचर्स के बारे में तो फुल आपको बता ही दिया था, लेकिन आपको चिपसेट और प्राइस के बारे में नहीं बताया था। तो आज इस वीडियो में मैं चिपसेट और प्राइस के बारे में भी आपको बता दूंगा कितना प्राइस रखा है। लेकिन और एक गुड न्यूज है कि जो Redmi Note 9 है उसका भी लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो में आपको बता भी देता हूँ, 20 तारीख जो है, इस महीने का 20 तारीख Redmi Note 9 को ऑफिशियली Amazon पे लॉन्च किया जाएगा। और Realme 6i का भी लॉन्च डेट जो है 14 जुलाई है, शायद ये फोन Flipkart में लॉन्च होगा 14 जुलाई। बाकी अगर बात करें इस फोन का लुक और डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी का, मतलब Tecno Spark 5 Pro का लुक और डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी का, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब इतना अच्छा लुक है कि कोई भी एक चांस में देख के इसको पसंद कर लेगा। लेकिन क्या ये फ़ोन आपको खरीदना चाहिए, चलो वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर बताऊंगा मैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल का घंटा है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज सुबह मैं एक वीडियो अपलोड किया था टेक्नो का एक नया फोन के बारे में, जिसमें मीडिया टेक का हेलियो G90T चिपसेट दिया जा रहा है। और इस मोबाइल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर लेना, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। और जो टेक्नो स्पार्क 5 प्रो है उसमें क्या क्या फीचर्स है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लुक और डिजाइन में कुछ भी कमियां नहीं है, इससे पहले भी मैं एक वीडियो में बता भी दिया था कि इसका लुक और डिजाइन बहुत ही जबरदस्त है। फ्रंट में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, बैक साइड में क्वेड कैमरा का सेटअप मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, और इसका कलर वेरियंट बहुत ही जबरदस्त है। रैम रोम और फीचर्स में कुछ भी कमियां नहीं है। डिस्प्ले जो है 6.6 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है जो कि पंच होल रहता है, और HD+ रेजुलेशन के साथ आपको मिलता है। इस मोबाइल में 4GB और 64GB जो है 4GB का रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, तो इसमें भी आपको कुछ कमियां देखने को नहीं मिलता है। और इस मोबाइल में आपको 5000mAh का बैटरी भी दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा बैटरी है, तो इसमें भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलता है। कैमरा की बात करें तो कैमरा में भी आपको कुछ भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। 16MP का क्वेड कैमरा का सेटअप दिया गया है जिसमें प्राइमरी सेंसर 16MP है और 2MP का सेकेंडरी सेंसर, 2MP का थर्ड सेंसर और 4 नंबर सेंसर AI सेंसर दिया गया है। 4-4 LED लाइट दिया गया है। फ्रंट में आपको 8MP का पंच होल के साथ सेल्फी कैमरा दिया गया है, ड्यूल LED लाइट आपको सेल्फी कैमरा में मिल जाता है। बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, और इस मोबाइल में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। तो इस फोन में फीचर्स में कुछ भी कमियां नहीं है, लेकिन एक फीचर्स जो कि मैं अभी तक नहीं बताया हूं वो है इस मोबाइल का चिपसेट। तो इस मोबाइल में जो चिपसेट दिया गया है वो है MediaTek का हेलियो A25 चिपसेट। जी हाँ, A25 चिपसेट को यूज किया गया है जो कि काफ़ी नॉर्मल सा चिपसेट है, इसमें आप पबजी जैसा गेम कभी भी नहीं खेल पाएंगे। और इस मोबाइल का प्राइस रखा है 4GB 64GB वेरिएंट का 10,499, यानी 10,500 प्राइस रखा है। मोबाइल को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पे लॉन्च किया गया है। ऑफलाइन भी मतलब दुकान में भी आपको ये मोबाइल मिलेगा, लेकिन मुझे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा मतलब हाई लगा, क्योंकि इस मोबाइल में सारे फीचर्स तो बेहतर है लेकिन इस मोबाइल का चिपसेट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस मोबाइल को आप डे टू डे काम करने के लिए तो खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे प्राइस ज़्यादा लगा, क्योंकि अभी जो है Redmi 9 और Realme C11 भी लॉन्च होने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा मोबाइल है, प्राइस रेंज में उतना ज़्यादा प्राइस नहीं रखेगा, लेकिन 10,500 प्राइस में इस मोबाइल को खरीदना मुझे एक बेवकूफ़ी जैसा लगेगा। तो मुझे नहीं लगता इस मोबाइल को आपको खरीदना चाहिए। बाकी टेक्नो ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो मोबाइल को लॉन्च किया है ज़्यादातर ऑफलाइन को देख के लॉन्च किया है। दुकान में जो लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं वो लोग चिपसेट को ध्यान में नहीं देखते हैं, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि इस मोबाइल में चिपसेट को उतना मायने नहीं रखा गया है। बाकी ये तो था आज का इन्फॉर्मेशन, और मेरे हिसाब से इस मोबाइल को आपको नहीं खरीदना चाहिए, 10,500 दे के इस मोबाइल को आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना। कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो से जाने से पहले ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और आप चाहे ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।